देश के 5 राज्यों में चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। आम आदमी पार्टी की जमीनी हकीकत दिल्ली के बेगम विहार इलाके में नजर आती है, जहां लोगों को शव ले जाने के लिए पानी में से होकर जाना पड़ रहा है। कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ये बेगमपुर इलाके की हैं और इस इलाके की खास बात यह है कि MLA आम आदमी पार्टी का है और साथ ही साथ अगर बात की जाए निगम पार्षद धर्मेंद्र रीना की, तो वो भी आम आदमी पार्टी से है। बावजूद इसके बेगमपुर इलाके की जनता पिछले 6 महीनों से पानी में डूबी है। पानी की कोई निकासी नहीं है, सड़कें गंदी हैं और नालियों में कूड़ा फंसा हुआ है। बेगमपुर इलाके में आए दिन कोई ना कोई बड़ा हादसा हो जाता है, जिसमें पानी की वजह से लोगों की जान चली जाती है। इस इलाके में आए दिन रिक्शे से लोग पानी में गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, बच्चे बुजुर्ग महिलाएं सभी परेशान हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को कोई सुध नहीं है। जहाँ एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार विकास की बात करती है, वहीं बेगमपुर इलाके की अगर बात की जाए तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ गंदगी, जल भराव और दिक्कतों के अलावा कुछ नहीं है। रोहिणी से सटे इस इलाके में एम्बुलेंस तक नहीं आ पाती, क्योंकि सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहीं मौजूदा आम आदमी पार्टी के MLA और निगम पार्षद किसी भी तरह की सुविधा जनता को मुहैया नहीं करा रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।